नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, आज शाम 5 बजे से दिल्ली में थमेगा चुनाव प्रचार। दिल्ली में छठे चरण में 7 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। दिल्ली के मतदाता 25 मई को 162 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अरविंद केजरीवाल के परिवार तक पहुंची। इस मामले में दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश आज पूछताछ नहीं हुई। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के समर्थन में की जनसभा। इसी बीच राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करने की दी नसीहत। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में प्रचार का आज अंतिम दिन। आज महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश से राम का नाम हटाना चाहती है इंडिया गठबंधन। एम्स ऋषिकेश में आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिल्मी अंदाज में तीसरी मंजिल पर जीप दौड़ाई। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो खूब चर्चा में, आईजी गढ़वाल ने की पुष्टि। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अब निर्भया की मां का साथ मिला। निर्भया की मां ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक वीडियो बनाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। नारायणपुर SP प्रभात कुमार ने इस मुठभेड़ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पूर्वांचल में गरजे। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। 5 चरणों में 310 सीटों पर जीत का किया दावा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के विवाद मामले में पीएम मोदी। सीरम सहित 28 के खिलाफ सुनवाई चली। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 जून की निर्धारित। ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें www.etvbharat.com।